हेलो वेलकम गाइस, दिस इज़ रंजू शर्मा। वेलकम बैक टू माई अदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं तो हमें कहीं भी कैरी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं और ट्रैवलिंग पर्पज़ में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे ब्लूटूथ स्पीकर बताने वाला हूँ जो कि आते हैं काफ़ी अच्छे ब्रांड के साथ, काफ़ी सारे फीचर्स के साथ लोडेड रहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे फर्स्ट नंबर पर ब्लूटूथ स्पीकर है वो है यूई बूम 2। इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो ये आता है 9099 रुपीज़ का और इसमें आपको 360 साउंड मिल जाता है, मतलब इसके हर एंगल से आपको साउंड मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया है इसके नए वर्जन के आने के बाद। इसमें आपको काफ़ी अच्छा साउंड मिल जाता है और अगर बेस की बात करूँ तो बेस भी इसमें आपको अच्छा खासा मिल जाता है। इसमें आपको साउंड ट्यूनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, अपने अकॉर्डिंग आप इसमें साउंड ट्यून कर सकते हैं। प्लस इसका अगर मैं बैटरी बैकअप के बारे में बात करूं तो इसमें आपको 15 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। आउटडोर पार्टी के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है और हल्की फुल्की बारिश में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये आता है IPX7 रेटिंग के साथ। तो सेकंड नंबर पर हमारे लिस्ट में जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो है एंकर साउंडकोर 2 ब्लूटूथ स्पीकर। इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो ये आता है 4545 रुपीज़ में और ये आता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में, तो इसे आप इजीली कैरी कर सकते हैं। प्लस अगर मैं इसके साउंड क्वालिटी की बात करूं तो डिसेंट साउंड क्वालिटी इसमें आपको मिल जाती है, बेस भी इस स्पीकर में आपको मिल जाता है। अब अगर मैं इसके बटन्स के बारे में बात करूं तो इस स्पीकर पर आपको मिल जाता है प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस करने का ऑप्शन और ये आता है ब्लूटूथ 5.0 के साथ, तो लेटेस्ट ब्लूटूथ भी आपको इसमें मिल जाता है। और इसके अगर मैं रेंज के बारे में बात करूं तो जो इसकी कनेक्टिविटी रेंज है वो है 20 मीटर्स तक, तो काफ़ी अच्छी खासी इसमें आपको रेंज भी मिल जाती है। और ये आता है IPX5 रेटिंग के साथ, तो ये भी हल्के फुल्के बारिश में यूज़ किया जा सकता है। तो नेक्स्ट जो ब्लूटूथ स्पीकर है हमारी लिस्ट में वो है सोनी XB10। इसकी प्राइसिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आता है 3490 रुपीज़ में और ये हमारी लिस्ट का सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्पीकर है और इसमें आपको काफ़ी अच्छी बेस मिल जाती है और ये आता है 4 कलर ऑप्शंस के साथ। इसमें आपको वन टच कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है और इसमें आपको 16 आवर्स का बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। IPX5 रेटिंग के साथ आता है, 1 ईयर की वारंटी भी इसमें आपको मिल जाती है। तो अब आ जाते हैं हम अपनी लिस्ट में फोर्थ नंबर पर। तो फोर्थ नंबर पर जो स्पीकर है वो है Amazon Echo। तो इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो ये आता है 9749 रुपीज़ में और इसी के साथ जितना इसका प्राइस है इसमें आपको उतने ही सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो ये थर्ड जनरेशन है ब्लूटूथ स्पीकर एको सीरीज़ का। इसका फैब्रिक कंस्ट्रक्शन देता है आपको प्रीमियम डिज़ाइन और प्रीमियम फील। इसी के साथ साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी भी इसमें आपको मिल जाती है और इसमें आपको इनबिल्ड हैवी वूफर मिलता है जो कि देता है काफ़ी अच्छा बेस और वूफर इनबिल्ड होने के वजह से इसका जो वेट है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है और ये स्पेशली बना है वॉइस असिस्टेंट के लिए। इसमें आपको एलेक्सा इनबिल्ड मिल जाता है और इसमें आपको मल्टी माइक सिस्टम भी मिल जाता है, तो अगर ये आपके घर के किसी भी कोने में रखा है तो आप इजीली इसको एक्सेस या इसको कमांड दे सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे लास्ट नंबर पर ब्लूटूथ स्पीकर है वो है JBL Charge 4। JBL Charge 3 भी आता है, आप उसे भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आपको JBL Charge 4 में मिल जाता है पावरफुल साउंड और इवन अगर आप इसको फुल वॉल्यूम पर भी सुनते हैं तो इसका जो साउंड है वो काफ़ी अच्छी बेस देता है और इसका जो बैटरी बैकअप है हमारी लिस्ट में सबसे ज़्यादा है इस स्पीकर का, जो कि है 20 आवर्स और ये आता है IPX7 रेटिंग के साथ, तो आप इसको बारिश में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैं वो टॉप 5 ब्लूटूथ स्पीकर जो कि आते हैं काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ और आउटडोर में आप इन्हें
काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये लिस्ट में से कौन सा स्पीकर ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए मेरी एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।